हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस वीडियो में शो करने वाला हूँ कि नाइट लैम्प कम शो पीस कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। ये शोपीस बनाने के लिए हमें दो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक लकड़ी जो 45 डिग्री एंगल में बेंट होनी चाहिए ऊपर से, और दूसरी लकड़ी जो होगी वो होगा उसका बेस। मैंने इस लकड़ी को पहले से नीचे से ही काट लिया है ताकि मैं इसे इस बेस के ऊपर अच्छे से फिट कर सकूं इस तरह से। तो अभी हम इन दोनों लकड़ियों को पॉलिश करके लेंगे। पॉलिश करने के बाद बेस को स्टैंड से स्क्रू लगाकर जॉइंट करें। अभी हम बल्ब एक्वेरियम बनाएंगे। इसके लिए आपको एक डैमेज बल्ब हॉलो करना होगा इस तरह से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट करें। मैंने दो एक्वेरियम बल्ब बना लिए हैं। तो अभी मैं इस बल्ब को हैंग करने के लिए ये वायर का यूज करूँगा। लकड़ी पॉलिश हो चुकी है तो अभी मैं इस पर बल्ब हैंग करने के लिए दो स्क्रू लगाऊंगा। स्क्रू ज़्यादा अंदर टाइट नहीं करना है, बल्ब हैंग करने के लिए थोड़ा पार्ट बाहर ही छोड़ें। अभी मैं ये बल्ब इस लकड़ी के ऊपर हैंग करूँगा। बल्ब हैंग करते वक्त इसकी हाइट अच्छे से एडजस्ट करें ताकि ये बल्ब इस लकड़ी को टच ना हो। और इस तरह से आपको दोनों बल्ब हैंग करने हैं। नाइट लैम्प बनाने के लिए हमें दो LEDs की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों LED को एक एक वायर जॉइंट करके ले और बाद में पूरा टेप से कवर करें।
एलईडी को बल्ब में डालें और वायर को फेविक्विक से अच्छे से चिपका दें। और बाद में वायर का पोलैरिटी चेक करके पॉजिटिव एलईडी वायर को पॉजिटिव से और नेगेटिव एलईडी वायर को नेगेटिव से जॉइन करें। और एलईडी को पावर देने के लिए यूएसबी केबल को जॉइन करें। अभी मैं इस पर थोड़ी सजावट करूंगा ये प्लास्टिक ट्रीज लगाकर। आप ये प्लास्टिक ट्रीज घर पर भी बना सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट करें। हमारा एक्वेरियम बल्ब नाइट लैम्प रेडी हो चुका है। ये बहुत ब्यूटीफुल और ऑसम लग रहा है। और अभी मैं आपको इसका लाइट जलाकर दिखाता हूँ। आप इसे नाइट लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।